एक सवाल जो हर किसी के मन में उठता है, क्या शंकर और भगवान शिव एक ही है? आखिर कौन है शिव, कौन है शंकर और कौन है महादेव? क्या है इन दो रूपों की कहानी? चलिए जानते हैं। आप देख रहे हैं महादेव दर्शन। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देख इस बात की दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि महादेव से जुड़ी तमाम जानकारियां, कहानियां, सच्ची घटनाएं और चमत्कार आपको देखने और सुनने को मिलते रहे। यम डाकिनी शाकिनी का समाजे निश्वेयमाणम पिशिताश्नेशम सदैव भीमादिपदं प्रसिद्धम तम शंकरं भक्तिहीं नमामि। यानी जो भगवान शंकर डाकिनी और शाकिनी समुदाय में प्रेतों के द्वारा सदैव सेवित होते हैं, अथवा डाकिनी नामक स्थान में प्रेतों द्वारा जो सेवित होते हैं, उन्हीं भक्त हितकारी भीम शंकर नाम से प्रसिद्ध शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार निराकार है शिव और दिव्य भगवान है शंकर। क्या है इन दोनों का मतलब, चलिए जानते हैं। अंडाकार आकार का शिवलिंग, बहुत ही गहरा इसके पीछे का महत्व है। ये है वो शिव जी जो देवों के देव हैं, ये है वो शिव जी जो परमात्मा है, ये है वो शिव जिसके कारणवश सृष्टि का जन्म हुआ। शिवलिंग का अंडाकार आकार इस बात का प्रतीक है कि शिव का कोई आकार नहीं, वो निराकार ईश्वर है, वो खुद में ही एक ऊर्जा है। शिव का लिंग रूप अमूर्त स्वभाव का प्रतीक है। शिव सर्वोच्च है और उनको पहचान की जरूरत नहीं, वो ना ही जवान, ना ही बूढ़े, ना ही पुरुष, ना ही मादा, वो अनंत अनादि है। शिवलिंग को त्रिपुंड के साथ सजाया जाता है। त्रिपुंड प्रतीकात्मक है शिव की तीन विशेषताओं का, त्रिनेत्री, त्रिलोकीनाथ और त्रिकालदर्शी। आसान शब्दों में समझाया जाए तो त्रिपुंड का मतलब है त्रिमूर्ति, यानी ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, और वो लाल बिंदी है शिव जो तीनों में बसती है। और दोस्तों, लिंग इन सब का स्मरण पत्र है। दोस्तों, शंकर वो है जिनका एक मानव रूप है, वो धरती पे माता पार्वती के साथ वास करते हैं और उनको लंबे घने बालों और नीलकंठ जटाओं के साथ बहती गंगा के साथ दर्शाया जाता है और उनके तपस्वी दिनों का वो प्रतीक है। उनके कंठ पे कुंडलित नाग भय के विनाश का प्रतीक है। शंकर भगवान के साथ दर्शाया गया त्रिशूल का मतलब है तीनों लोक पे उनका राज। शंकर हैं विध्वंसक, न सिर्फ इस ब्रह्मांड के पर आत्मा के सारे बुरे कर्मों के। अब चलिए जानते हैं कि दोनों के बीच क्या रिश्ता है। दोस्तों, लिंग पुराण के अनुसार शिव है वो दिव्य ऊर्जा जिसने इस ब्रह्मांड का निर्माण किया और शंकर है विध्वंसक। निराकार शिव जगदीश्वर है, ज्ञान का ब्रह्मांड है और शिव के लिए दोस्ती, दुश्मन, सच, झूठ कुछ मायने नहीं रखता। सब शिव से शुरू हुआ और सब शिव पे ही खत्म होगा। शिव महापुराण के अनुसार शंकर वो हैं जिनकी अन्य पहचान है, वो तपस्वी साधु भी हैं, पति भी हैं, पिता भी हैं। शंकर भगवान के लिए अपने अंदर मौजूद बुराइयों का नाश करना जरूरी है। हम अक्सर ये कहते हैं कि शिव और शंकर एक ही है, तो दोस्तों आपको हम बता दें कि वो एक नहीं है। शंकर सर्वोच्च देवता तब बनते हैं जब शिव के साथ उनकी शक्ति पार्वती हो, और बिना शिव के ये ब्रह्मांड नहीं चल सकता। यही कारणवश सभी देवी देवता चाहते थे कि पार्वती माता और महादेव की शादी हो। दिलचस्प बात ये है कि उनकी शादी शिवरात्रि के दिन होती है, वो दिन जब इस चक्र की शुरुआत हुई, यानी जिस दिन हम सभी का जन्म हुआ, वहीं से हमारी शुरुआत हुई और वहीं पर आकर हमारा अंत भी होगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये खास जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत